हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। अमृता प्रीतम जी की ऑटोबायोग्राफी रिवेन्यू स्टैम्प रसीदी टिकट, उसमें बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो कि दिल को छू जाती हैं। सो उसी में से एक छोटा सा अंश आप सबके सामने रखने जा रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये एक वो पल है जब घर में तो नहीं पर रसोई में नानी का राज होता था। सबसे पहला विद्रोह मैंने उनके राज में किया था। देखा करती थी कि रसोई की एक परछत्ती पर तीन ग्लास अन्य बर्तनों से हटाए हुए सदा एक कोने में पड़े रहते थे। ये ग्लास सिर्फ तब परछत्ती से उतारे जाते थे जब पिताजी के मुसलमान दोस्त आते थे और उन्हें चाय या लस्सी पिलानी होती थी, और उसके बाद मांस धोकर फिर वहीं रख दिए जाते थे। सोन तीन ग्लासों के साथ मैं भी एक चौथे ग्लास की तरह घुल मिल गई। हम चारों नानी से लड़ पड़े। वे ग्लास भी बाकी बर्तनों को छू नहीं सकते थे। मैंने भी जिद पकड़ ली कि मैं अब और किसी बर्तन में न खाना खाऊंगी और ना ही दूध चाय पीऊंगी। नानी उन ग्लासों को खाली रख सकती थी लेकिन मुझे भूखा प्यासा नहीं देख सकती थी। सो बस बात पिताजी तक पहुँच गई। पिताजी को इससे पहले पता ही नहीं था कि कुछ ग्लास इस तरह अलग रखे जाते थे। उन्हें मालूम हुआ तो मेरा विद्रोह सफल हो गया। फिर ना कोई बर्तन हिंदू और ना ही मुसलमान रहा। उस पल ना नानी जानती थी ना ही मैं कि बड़े होकर जिंदगी के कई बरस जिससे मैं इश्क करूंगी वो उसी मजहब का होगा जिस मजहब के लोगों के लिए घर के बर्तन तक अलग रख दिए जाते थे। होनी का मुंह अभी देखा नहीं था पर सोचती हूँ उस पल कौन जाने, शायद उसकी ही परछाई थी जो बचपन में देखी थी। थैंक यू।